अब हम लोग एनाटॉमी के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं और ये लास्ट टॉपिक का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। और जैसा कि मैंने बताया था, इस टॉपिक के बाद हम लोगों को छोटी छोटी कुछ चीज़ों को जानना है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उन चीज़ों को भी समझना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इस टॉपिक को बच्चों ऐसा माना जाता है कि टफ टॉपिक है, लेकिन देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ध्यान से सिर्फ इसको सुनोगे और समझोगे तो पूरे एनाटॉमी में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा समझ के, और कहीं भी इसमें याद करने की कोई बात नहीं आएगी। जितनी बातें हैं, जैसे बच्चे कहते हैं कि नहीं ये तो रटना पड़ता है, रटने लायक कोई भी बात इसमें नज़र नहीं आएगी। तो टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन साथ ही हम लोग अभी एक और चीज़ बताएंगे जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी उसको हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और वो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। इसके अलावा पहले कुछ क्वेश्चन आया करते थे एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, लेकिन एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ अब बिल्कुल कहीं भी पार्ट नहीं है सिलेबस का, किसी स्टेट में नहीं है, है ना। तो हम लोग इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, सिर्फ हम लोग इसकी चर्चा ये जरूर करेंगे कि किन किन प्लांट्स में एनोमलस मतलब होता है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ मिल रहा है। तो हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या पढ़ना है। तो हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चों का समय नहीं पढ़ने वाली चीज़ों पे, जिन चीज़ों को एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है उसमें बहुत बर्बाद हो जाता है। हमने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए बहुत एग्जॉस्टिव वो पढ़ा करते हैं, एग्जॉस्टिव इतना पढ़ते हैं कि जो सिलेबस का पार्ट है उसके अलावा जो सिलेबस का पार्ट नहीं भी है, है ना, उस लेवल को भी वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं और घंटों उसमें अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस हमारा NCERT है ना, NCERT के में जो इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं इसी के आसपास क्वेश्चंस रहता है। थोड़ा बहुत डेविएशन जरूर दिखता है। अगर हम लोग मेडिकल की बात कर रहे हैं तो 90 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली NCERT के लाइन से होते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं NCERT बेस्ड होते हैं और डेविएशन उसमें शो होता है। और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको डिफिकल्ट हम कह सकते हैं और वो हमारे पढ़े हुए जो हमारे जो रेंज होता है पढ़ाई का उससे नहीं आता है। तो हमारा टारगेट होता है 82, 83, 85 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना। अगर 90 में 80, 85 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए तो ये समझ गए कि बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग जा रहे हैं और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलना ही मिलना है। अब हम लोग आते हैं एपी टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे थे, टिश्यू सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। और जो ही हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम की बात किए, तुम इसको डिफरेंशिएट करना है किससे, प्राइमरी ग्रोथ से, है ना, किससे हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, तो प्राइमरी ग्रोथ से। अब हम लोग यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह का ग्रोथ होगा प्लांट में। जब प्लांट लंबाई में बढ़ रहा होता है हम लोग इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और ये होता है बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेम जो एपिकल पोर्शन पे, रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे लोकेटेड होते हैं। एक समय के बाद प्लांट की लंबाई बढ़ना ऑलमोस्ट रुक जाती है और अब हर साल प्लांट लैटरल ग्रोथ शो कर रहा होता है, प्लांट की मोटाई बढ़ रही होती है। जब प्लांट की मोटाई बढ़ रही होती है हम लोग इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, और सेकेंडरी ग्रोथ पे जो क्वेश्चन आ सकता है उनमें पहला क्वेश्चन इसके डेफिनेशन से है, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो कहेंगे ग्रोथ इन सरकमफेरेंस, ग्रोथ इन डायमीटर, ग्रोथ इन गर्थ, है ना, ग्रोथ इन पेरीमीटर। तो किसमें किसमें ग्रोथ हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, ग्रोथ किन चीजों में, इन पेरीमीटर, है ना। पहला वर्ड हमने क्या लिखा, ग्रोथ इन पेरीमीटर, ग्रोथ इन डायमीटर। इनमें से किसी भी शब्द से क्वेश्चन आ सकता है, ग्रोथ इन डायमीटर, ग्रोथ इन गर्थ, है ना, और ग्रोथ इन सरकमफेरेंस। इनमें से किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो टर्म है ना गर्थ, ये ज्यादा कॉमन टर्म है।
तो प्लांट में जब प्लांट मोटा होना शुरू करता है, जब इसकी इंक्रीज इन गर्थ होने लगती है, जब इसका पेरीमीटर इंक्रीज करने लगता है, हम लोग इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो पहला हो गया व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। अब दूसरा होता है ये कैसे होता है, मतलब अब हम लोग चल रहे हैं इसके फंक्शंस को समझ रहे हैं, एक्टिविटी कैसे हो रही है, इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग कहे इस सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम लोग इन पूरे स्ट्रक्चर को, कहाँ पे हो रहा है इस स्ट्रक्चर को, एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, है ना। क्या करते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पहले पढ़ा था। हमने डायकॉट के स्टेम के अपर वाले लेयर का नाम क्या रखा था, एपीडर्मिस। हमने नाम बताया था एपी मतलब एबव और डर्म मतलब स्किन, है ना। ये एबव मतलब स्किन के बाहर वाला पोर्शन है, इसका नाम रखा गया एपीडर्मिस। स्टेम पढ़ रहे हैं इसलिए इसके हेयर से, स्टेम बॉडी के एपिडर्मिस से क्या निकलेगा, कुछ हेयरी स्ट्रक्चर निकलने जा रहा है। इन हेयरी स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दिए शूट हेयर। तो इससे हम लोग क्या दिखा दिए हैं, पहला दिखाया है हम लोग एपिडर्मिस, इसके बॉडी से क्या निकल रहा है, शूट हेयर निकल रहा है। शूट हेयर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये कैसा होता है, ये हमेशा मल्टी सेलुलर होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग आ गए, जब हम लोग स्टेम की बात कहेंगे तो कहेंगे देयर इज ए हाइपोडर्मल सेल। तो यहाँ पे फिर दिखा रहे हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले सेल का नाम क्या रखे हैं, हाइपोडर्मल सेल। थर्ड सेल का नाम क्या रख दिए, हाइपोडर्मल सेल। फिर उसके अंदर जो ही आए हम लोग, हाइपोडर्मल सेल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि डायकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मल सेल किसका बना हुआ है, ये हम लोग डिस्कशन किए थे कि हाइपोडर्मल सेल इन डायकॉट स्टेम ये कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, जबकि मोनोकॉट के केस में स्टेम में ये स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है, और रूट के केस में क्या समझाए थे, रूट में तो हाइपोडर्मल सेल मिलता ही नहीं है, डायकॉट और मोनोकॉट किसी भी केस में ये नहीं मिलता है। फिर हम लोग आ गए थे फोर्थ फ्यू लेयर को, हम लोग जनरल कॉर्टेक्स का नाम दिए, है ना। जनरल कॉर्टेक्स ये जो दिखा रहे हैं कुछ लेयर, पहला लेयर डिस्कस किए, सेकेंड लेयर डिस्कस किए, तीसरा जो लेयर है ये है जनरल कॉर्टेक्स। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक बार रिकॉल कर रहे हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ के स्टेप को पहुंचने के लिए हम लोग वहां पहुंच रहे हैं जहां से सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत होगी। तो हम लोग इसके बाद वाले कुछ लेयर को क्या कह दिए, ए ग्रुप ऑफ लेयर इज कॉल्ड एज जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के सेल किसके बने हुए थे, पेरेनकाइमेटस, दे आर पेरेनकाइमेटस इन नेचर, हम लोग डिस्कस किए थे। पेरेनकाइमा के प्रॉपर्टी फिर से रिकॉल कर लो, हमने कहा था ये मेनली स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स का नाम, बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस किए थे, एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस की प्रॉपर्टी बताए थे, 7 और 8 प्रॉपर्टी हमेशा बताए थे कि तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, जब भी ये टर्म आए फिर से रिकॉल करो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग बताए थे। और फिर आए थे एंडोडर्मल सेल के अंदर के इस लेयर का नाम रखे पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल में बताए थे ये पैचेस का बना हो सकता है, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का पैचेस भी हो सकता है, ये सिंगल लेयर भी हो सकता है, और कभी कभी ये मल्टी लेयर 2 और 3 लेयर, बट ये रेयर हम लोग बता रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं एक डायकॉट के स्टेम में, अब सेंट्रल पोर्शन को हम लोग स्टीली का नाम दिए, है ना। एंडोडर्मल सेल से अंदर हम लोग क्या टर्म किए थे, यूज किए थे स्टीली, ये पेरिसाइकिल से शुरू किए, वैस्कुलर बंडल, पिथ, पिथरे, और फिर पेरिसाइकिल तक पहुंच गए। इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या नाम दे दिए थे, इस पूरे सेंट्रल पोर्शन का नाम था स्टीली। अब हम लोग इसका मतलब, हम लोग अब पूरे एक्टिविटी को जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले बोल रहे हैं स्टीली के अंदर की एक्टिविटी, इंट्रा और इंटर दो शब्द यूज करेंगे, इंटर मतलब होता है अंदर, इन बिटवीन, तो बोलेंगे इंटर स्टीली एक्टिविटी। स्टीली का पोर्शन है, इसके अंदर के सेल की एक्टिविटी को जब ऑब्जर्व करेंगे तो शब्द क्या लिखेंगे, शब्द और टर्म यूज करेंगे इंटर स्टीलर एक्टिविटी। लेकिन स्टीली के बाहर अगर यहां पे कुछ ग्रोथ हो रहा होगा, यहां पे कोई चेंजेस आएगा, तो इसका नाम देंगे इंट्रा मतलब इंटर मतलब हुआ इन बिटवीन, है ना। तो इसको अब यहां से बोलेंगे इंटर और इंट्रा, समझ में आ गया। अब अगर स्टीली के बाहर कोई टर्म यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्टीलर,
नहीं, अब स्टीली के बाहर की बात बोल रहे हैं, यहां पे स्टीली के अंदर की बात कह रहे थे, तो कह रहे थे इंट्रा स्टीलर एक्टिविटी, है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रा स्टीलर एक्टिविटी से, मतलब सेल के अंदर इंट्रा स्टीलर एक्टिविटी से, है ना। तो हम लोग जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे, हमारी एक्टिविटी कहाँ से शुरू होगी? इंट्रा स्टीलर एक्टिविटी, और जब एक्टिविटी बाहर होगी तब टर्म यूज करेंगे। तो पहला हो गया, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इंट्रा स्टीलर एक्टिविटी, और दूसरा पार्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब बाहर, एक्स्ट्रा आउटसाइड स्टीलर एक्टिविटी। तो दो तरह की एक्टिविटी से हम लोग पूरे सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। तो ये पार्ट एकदम, जब भी हम लोग किसी पूरे एनाटॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा पार्ट है ना। और पूरे में हमने कहा कि ये जो 6 डायग्राम बार बार हम लोग बना रहे हैं, दो रूट का, दो स्टेम का, दो लीफ का, और उसके अलावा हमने रूट एपेक्स और शूट एपेक्स के बारे में बताया। तो ये जो टोटल 8 डायग्राम्स है ना, दिस 8 डायग्राम्स आर सफिशियंट फॉर द कॉन्सेप्शन ऑफ योर एनाटॉमिकल पोर्शन ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी के एनाटॉमिकल पोर्शन को समझने के लिए ये 8 डायग्राम्स आर रिस्पॉन्सिबल। हम लोग कहते हैं कि इसको जैसे ये प्रिंट, सोचो कि तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए, फोटोग्राफ की तरह तुम्हारे दिमाग में ये 8 डायग्राम तो बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। इसका नाम, लोकेशन, सारी चीजें तुमको याद रहनी चाहिए। फिर हमने क्या कहा, अब हम लोग शुरू करते हैं एक्टिविटी। तो अब हम लोग आते हैं इसके इनसाइड में, इनसाइड स्टीलर रीजन में वैस्कुलर बंडल मिल रहा है। वैस्कुलर बंडल के बारे में हमने क्या कहा था, वैस्कुलर बंडल वो घर है, वो मकान है जिसके अंदर दो भाई जाइलम और फ्लोयम रहते हैं, है ना। दोनों भाई का नाम क्या बताया हमने, जाइलम और फ्लोयम रहते हैं। इन दोनों, जाइलम का काम था टू कंडक्ट वाटर अलोंग विथ मिनरल सॉल्ट, और फ्लोयम का काम था टू कंडक्ट फूड मटेरियल। तो जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम है। कौन है? जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम है ना। फिर से बोलिए, जाइलम और फ्लोयम के बीच में कौन है? जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम है। कैम्बियम कैसा टिश्यू है? कैम्बियम मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। ये कैसा टिश्यू है? कैम्बियम मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, मतलब ये कैम्बियम को हम लोग कई नामों से जानते हैं। पहला नाम हमने कहा कैम्बियम, कैम्बियम मेरिस्टमेटिक टिश्यू है और शुरू से दिख रहा है, इसीलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम, हमने प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम समझाया था। प्राइमरी मेरिस्टेम शुरू से मिलता है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, और जो मेरिस्टेम अपने मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी को लॉस कर चुका होता है और फिर से रिगेन करता है, उस मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये अभी वैस्कुलर बंडल के अंदर दिख रहा है, इसीलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग कैम्बियम को देखो दो नए नाम से जानते हैं। कैम्बियम का एक दूसरा नाम है फेसिकुलर कैम्बियम। व्हाट इज द सेकेंड नेम? वी कॉल इट फेसिक्यूलर कैम्बियम। कैम्बियम का तीसरा नाम इंट्रा। इंट्रा शब्द का मतलब होता है इनसाइड। इंट्रा, इंट्रा शब्द का मतलब इनसाइड। फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा, फेसिकुलर वर्ड यूज करते हैं वैस्कुलर के लिए, मतलब वैस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम मिल रहा है। वैस्कुलर बंडल के लिए एक और शब्द का प्रयोग किए, फेसिकुलर। तो शब्द क्या हो गया? फेसिकुलर कैम्बियम। या एक और शब्द क्या हो गया? इंट्रा, मतलब इनसाइड, फेसिकुलर कैम्बियम। अब हम लोग आते हैं कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। सेंट्रल पोर्शन पे पहुंचे, इस सेंट्रल पोर्शन में पेरेन्काइमेटस टिश्यू था, पिथ, और पिथ से जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल रन कर रहा है, इस टिश्यू का नाम रखे पिथ रे। पिथ रे पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, मतलब ये भी परमानेंट टिश्यू है। अब प्लांट ग्रो कर चुका है, प्लांट लंबाई में ग्रो कर गया। तो अब हम लोग टॉपिक देंगे इंट्रास्टिलर एक्टिविटी में
एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, तो पहला मेरा हेडिंग हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। लेकिन कौन से कैम्बियम की एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं? एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, ये पहले वाले कैम्बियम की एक्टिविटी देखना शुरू किए, एंड अपीयरेंस ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटर मैंने बीच में, फेसिकुलर कैम्बियम। तो ये देखो, ये जो टर्म हम लोग समझा रहे हैं ना, पहले इसको समझना है। हम लोग क्या कहे, जो ही प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हुआ, पिथरे का वो टिश्यू जो कैम्बियम के पेरिफेरी के लाइन में था, अचानक सडनली मेरिस्टमेटिक हो गया। ये ठीक वैसे ही बात हो गई जो हमने कहा कि दादाजी और बच्चे खेल रहे थे, एक दिन दादाजी गुस्सा होकर बच्चे पे लड़ाई करने के लिए बच्चे से लड़ रहे थे और लाठी लेके दौड़े थे, और हमने क्या कहा था, देखिए बच्चे तो बच्चे ही हैं, दादाजी भी, वो स्टोरी को निकालो और फिर से उसको सुनो, दादाजी भी बच्चे हो गए, मतलब दादाजी इज ए परमानेंट टिश्यू और अब वो बच्चे की तरह बिहेव करने लगे। हम लोगों ने कहा ये मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी शो करने लगे। तो फिर से देखो हम लोग इन बातों को, ये कौन सा टिश्यू था, पिथ रे एक्चुअली पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, मतलब पिथ रे के टिश्यू परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू जब फिर से रिगेन कर ले पावर ऑफ डिवीजन को, हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, जब ये परमानेंट टिश्यू फिर से रिगेन करते हैं पावर ऑफ डिवीजन को, हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिपीट करो, हम लोग इसको क्या कहते हैं, बोलो फिर से, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले क्या हुआ, पिथरे का वो टिश्यू पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो फेसिकुलर कैम्बियम के रेडियल लाइन में था, सडनली ये जो येलो कलर से दिखा रहे हैं ना, ये सडनली मेरिस्टमेटिक हो गया, और अब इसका नाम क्या रखें हम लोग, इंटर मतलब बीच में, किस कैम्बियम के बीच में ये कैम्बियम बना, इसको भी अब कैम्बियम कहेंगे, लेकिन ये कैम्बियम के बीच में है, इस कैम्बियम है ना, और इस कैम्बियम के बीच में है, फिर यहाँ पे देखो इस कैम्बियम और इस कैम्बियम के बीच में है, फिर यहाँ पे देखो थर्ड इस कैम्बियम और इस कैम्बियम के बीच में है, और फोर्थ भी देखो, तो कैम्बियम के बीच में ये मेरिस्टमेटिक हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया इंटर मतलब बीच में, किस कैम्बियम के, फेसिकुलर कैम्बियम, इस कैम्बियम को जो वैस्कुलर बंडल के अंदर था, क्या नाम दिए, फेसिकुलर कैम्बियम, इसीलिए क्या बोले, इस नए सेल का नाम रख दिए इंटर मतलब बीच में, फेसिकुलर कैम्बियम, तो इसका नाम हो गया इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। तो क्या बन गया, एक नए टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया जो नेचर में कैसा है, जो नेचर में मेरिस्टमेटिक है, ये नेचर में कैसा है, मेरिस्टमेटिक है, तो एक नए मेरिस्टमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम रखे इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ये समझ में आ गया, तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम एंड एक्टिविटी ऑफ इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, अब इन दोनों में जरा अंतर देखो, कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है, कैम्बियम कैसा है, तो शुरू से मिलने वाला कैम्बियम ये प्राइमरी मेरिस्टेम है ना, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसा हो गया, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, लेकिन दोनों ही पोजीशन वाइज देखो तो क्या क्या बताए थे, दोनों ही इसको निकाल के देखो, इसको बोले थे, ये सोचो ये डायग्राम, एक पेड़ गिरा हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शन काटे हैं और बोर्ड पे चिपका दिए और अब तुमको दिखा रहे हैं, तो जब इसको खड़ा होके सोचना होगा तो ये सोचो कि ऐसे प्लांट को लिए और यूं खड़ा कर दिए, ये प्लांट अब है, और पोजीशन देख रहे थे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम का पोजीशन देखो, ये है कैम्बियम और ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अब इसको यहां पे ले आए, तो ये कहां पे लोकेटेड है, ये प्लांट के लैटरल साइड में लोकेटेड है, किसी भी दो स्टेट को देखो, इन दोनों को लिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और यूं खड़ा कर दिए, कहां पे लोकेटेड है, तो ये भी लैटरल साइड में लोकेटेड है, मतलब ये दोनों ही लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। दोनों में कॉमन बात क्या हो गई और अनकॉमन बात क्या हो गई, एक का ओरिजिन प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, कौन, कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसा है, ये सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, दो बात हो गई ना, एक प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों ही लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू है।
तो किसका फॉर्मेशन हो गया? फॉर्मेशन ऑफ इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, ये स्टार्ट हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। कहां पे हो रहा है? ये स्टीली के अंदर की एक्टिविटी है, बोलेंगे इंट्रा स्टीलर। इंट्रा मतलब इनसाइड, स्टीली के अंदर की एक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इंट्रा इनसाइड स्टीलर एक्टिविटी, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा किसका फॉर्मेशन हुआ? फॉर्मेशन ऑफ, हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा और इंटर शब्द क्या रखेंगे, इंट्रा मतलब इनसाइड, इंटर मतलब इन बिटवीन, तो ये एक नए कैम्बियम का नाम रखे, इंटर दोनों के बीच में फेसिकुलर कैम्बियम, ये याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये दोनों ही कैम्बियम है, दोनों ही क्या है, कैम्बियम है, और कैम्बियम कैसा टिश्यू होता है, कैम्बियम मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है, इसीलिए दोनों ही अपने लेफ्ट और राइट, है ना, ये देखो ये अपने लेफ्ट और ये अपने राइट, दोनों ही अपने लेफ्ट और राइट साइड में सेल कट ऑफ करना शुरू किया, और ज्यों ही सेल कट ऑफ करेगा, ये अपने लेफ्ट और राइट में, ये भी अपने लेफ्ट और राइट में, मतलब अल्टीमेटली इतने सारे सेल बन जाएंगे कि अब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ये डेवलप हो गया। इसमें डेवलप हो गया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया, और अब इस रिंग का नाम क्या रखे, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। अब क्या बन गया, कैम्बियम रिंग बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। अब इस पे देखो तीन चार मेडिकल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस है, पहला स्टेप देखो क्या बन चुका है, कैम्बियम रिंग बन गया। क्या बन गया, तो पहला स्टेप देखिए, हम लोग बना रहे हैं कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग बन गया, कैसे बना, इस पे दो तरह के मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ना, ये फिर एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन, पहले बीएचयू हम लोग माना करते थे कि बीएचयू मेडिकल वाज मोर हार्ड, ये बहुत हार्ड होता था रिस्पेक्ट पर्टिकुलरली दी बॉटनी पेपर, है ना, खास करके बॉटनी पेपर में देखा जाता था, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस वेर दैट ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल, तो वहां पे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम जिसको जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। एक कैम्बियम रिंग बन गया, कैम्बियम रिंग किसकी किसकी एक्टिविटी से बना, तो तुम्हारे पास दो आंसर है, आंसर क्या है, बाय द एक्टिविटी ऑफ, इस कैम्बियम का नाम रखे हैं जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर है, वैस्कुलर बंडल के अंदर, इसका क्या नाम रखे हैं, फेसिकुलर कैम्बियम, और जो नया येलो कलर का टिश्यू दिखा रहे हैं इसका नाम क्या रखे थे, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों के लैटरली साइड में नए सेल को कट करके जुड़ने से ये रिंग बना है, इसीलिए कहेंगे कैम्बियम रिंग इज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन। बहुत ध्यान से समझो, कैम्बियम रिंग कैसा हो गया, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, क्यों, अब आंसर तुम लोगों को देना है, क्यों है बताओ जरा सा, ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों तरह के मेरिस्टमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी से ना बना कैम्बियम रिंग। कैसे बना कैम्बियम रिंग, बना दोनों तरह के सेल की एक्टिविटी से, कौन कौन सेल की एक्टिविटी से, पहले बोलेंगे फेसिकुलर कैम्बियम और फिर बोलेंगे इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, इन दोनों की एक्टिविटी से ये बना है कैम्बियम रिंग। बहुत अच्छे से समझना चीजों को, बहुत बारीकी से समझना है। तो कैम्बियम रिंग पे पहला क्वेश्चन आ गया, कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड बाय, तुम्हारा ऑप्शन रहेगा बाय प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, फिर रहेगा आंसर प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, फिर आंसर रहेगा सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और फिर रहेगा बाय द एक्टिविटी ऑफ बोथ प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ये क्लियर हो गया, तो पहला क्वेश्चन तो ये बना, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर एक बनता है, जरा देखो ध्यान से, इनमें से कौन सा प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, तुमको याद हो गया होगा, हम लोग कहेंगे कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर, इंट्रा मतलब इनसाइड वैस्कुलर बंडल के अंदर मिलने वाले इस कैम्बियम को क्या नाम दिए हैं, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम इज मेरिस्टमेटिक, है ना, शुरू से मेरिस्टमेटिक था, ये एग्जाम्पल होगा किसका, प्राइमरी मेरिस्टेम का, और दूसरा अब बना सेकेंडरी मेरिस्टेम, कौन सा, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, जो कैम्बियम इन दोनों के बीच में है, तो बोथ दीज
हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, इसीलिए कैम्बियम रिंग पे पहला क्वेश्चन ये बड़ा, दे आर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये पहला प्रश्न बना। फिर दूसरा बना, कैम्बियम रिंग इज एपिकल और इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम, किस तरह का मेरिस्टेम है, पोजिशन वाइज बताना था। एपिकल लंबाई में ग्रो करता है, इंटरकैलरी एपिकल पोर्शन का छूटा हुआ टूटा हुआ पोर्शन होता है, और लैटरल लैटरल डेवलपमेंट मतलब गर्थ में डेवलपमेंट में सेकेंडरी ग्रोथ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये कैम्बियम रिंग को फिर ऐसे निकाले और पेड़ को खड़ा करके लोकेशन चेक कर रहे हैं, कहाँ पे है ये लैटरल इन पोजिशन है, तो पोजिशन वाइज भी ये पूछ सकता है, दिस इज वॉट लैटरल मेरिस्टेम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है ना। अब हम लोग आते हैं, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जो क्वेश्चन आ सकता है। अब ये पूरा का पूरा मेरिस्टमेटिक टिश्यू कैसा है, हम लोग कहेंगे एक्टिव है। जब ये पूरा का पूरा मेरिस्टमेटिक टिश्यू एक्टिव हो गया तो ये अब देखो तो इसके लैटरल साइड में जगह नहीं है कि ये नया सेल को कटअप करे, तो नए सेल को कटअप ये कहां करेगा, अब या तो ये अंदर करेगा या बाहर करेगा या दोनों साइड करेगा। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि ये पहले तो नए सेल को कटअप करता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो सेल कट ऑफ कर रहा है इसका नाम है सेकेंडरी जाइलम। क्या नाम रखें इसका हम लोग, सेकेंडरी जाइलम। अब बहुत अच्छे से इसको फिर समझना है, देखो जाइलम और फ्लोएम का लोकेशन पहले से देख रहे हैं, एक वैस्कुलर बंडल में सेंटर की तरफ या अंदर की तरफ जाइलम है, जाइलम कहां पे लोकेटेड है, अंदर की तरफ है ना, और फ्लोएम कहां वैस्कुलर बंडल में लोकेटेड है, बाहर की तरफ आउटसाइड। फिर से समझो क्या कहा हमने, कैम्बियम रिंग के अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है। अब कैम्बियम रिंग नए सेल को कट ऑफ करेगा, फिर वैसे ही सेल को कट ऑफ करेगा जिसका नाम होगा सेकेंडरी जाइलम, जो अंदर की तरफ करेगा। तो तुमको रटने की जरूरत नहीं है, जो भी सेल अंदर होगा पहले से वैस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम था उसका नाम अब रख दिए प्राइमरी जाइलम, है ना। क्या नाम रखे उसका हम लोग, प्राइमरी जाइलम। मतलब ये जो जाइलम पहले से था ये प्राइमरी जाइलम था, प्राइमरी जाइलम का दो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्राइमरी जाइलम कौन कौन सा पार्ट हमने डिस्कस किया था, प्रोटोजाइलम, छोटे डायमीटर वाले जाइलम को, स्मॉल डायमीटर वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम का नाम दिए, और बड़े डायमीटर वाले जाइलम को मेटाजाइलम का नाम दिए। हमने याद करने के लिए वाला बताया था, मोटा इज मेटा एंड छोटा इज प्रोटो, क्या क्या बताया, छोटा इज प्रोटो एंड मोटा इज मेटा। तो यहां पे ये जाइलम पहले से था, अब जो अंदर की तरफ जाइलम बनेगा पहले से था इसका नाम प्राइमरी, जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय बना उसका नाम सेकेंडरी। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्शन को समझना है, अंदर की तरफ क्या बना, अंदर की तरफ ये नए सेल को कट ऑफ किया, ये सारे का नाम रख दिए सेकेंडरी जाइलम। क्यों, क्योंकि ये जाइलम अब सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत हो गई है इस समय बना, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत हो गई है उस समय जो जाइलम बना उसका नाम क्या रखे हैं, सेकेंडरी जाइलम। ये समझ में आ गया। अब हम लोग कहते हैं ये कैम्बियम रिंग का बनना, अब हम लोग इसकी एक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं, अब हम लोग ये कह रहे हैं कि कैम्बियम रिंग का बनना और तुम्हारा डॉक्टर बनना दोनों एक सी बात है, और तुम ये समझो कि तुम डॉक्टर बन गए हो और कैम्बियम रिंग भी बन गया है। अब कैम्बियम रिंग और तुम्हारे एक्टिविटी को कंपेयर करते हैं, जब एक तुम डॉक्टर बन जाते हो तो प्रैक्टिस शुरू करते हो, है ना, और प्रैक्टिस में क्या करते हो, पेशेंट आते हैं, और पेशेंट जब आते हैं तो तुम पैसा कमाना शुरू करते हो, पहले ही दिन 10 पेशेंट एट द रेट ऑफ 500, है ना, कितने पैसे कमा लिए, 50,000, नहीं गलत जोड़ दिए ना, पहले दिन कितने पेशेंट आए, 10 पेशेंट और तुम्हारा फी है 500 रुपीज, तो पहले दिन ही 5,000 रुपीज कमाए।
और दूसरे दिन क्या किए, दूसरे दिन पेशेंट की संख्या बढ़ती गई, फिर तीसरे दिन भी पेशेंट की संख्या बढ़ रही थी, तुम्हारी आमदनी बढ़ रही थी, तुम क्या कर रहे थे, पहले तो पर्स में पैसा रखे, दो तीन दिनों के बाद तो पर्स इतना मोटा हो गया कि उसकी सिलाई खुलने लगी, अब एक ब्रीफकेस लेके आ गए, ब्रीफकेस में पैसा डालना शुरू किए, और जब ब्रीफकेस भी भर गया तो क्या कि बड़ा सा सूटकेस लाए और इसमें पैसा रख रहे हैं। मतलब आप अपने घर में पैसा भर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि पहले ही दिन से 5000 आया और 5000 रुपए दान दे दिए, ऐसा किए बाहर वाले को दिए नहीं, पहले क्या कर रहे हैं, पहले अपने घर को भर रहे हैं। और देखो ये कैम्बियम रिंग सेल कट ऑफ करेगा, मतलब ये पैसा कमाएगा, है ना, तो सेल कट ऑफ करके कहां भरेगा, अपने घर को भरेगा, और घर कौन होगा इसका, इनसाइड, ये जो लोकेशन था। तो कहते हैं ये जाइलम और फ्लोएम दोनों बनाता है, बट मोर जाइलम्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, ज्यादा जाइलम कहां बन रहा है, ये जो पैसा, लेकिन अब तुम कुछ दान भी तो दे रहे होगे ना, कोई आता होगा गरीब उसको भी देते होगे, तो ज्यादा पैसा क्या करते हो, 5000 में से 100-200 रुपए किसी को गरीब को भी दे देते होगे, लेकिन ज्यादा पैसा अपने घर में रखते होगे, तो मोर सेल्स आर कट ऑफ इनसाइड देन आउटसाइड। अब ये स्टेप को समझो, तो बहुत सा सेल बना तुम, बहुत सा पैसा कमाया, और क्या किए, अटैची में पैसा भर दिए, ब्रीफकेस में पैसा भर दिए, बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं घर पे, ड्रम्स में होते हैं, है ना, वो रजाई रखने वाला जो बड़ा बड़ा ड्रम होता है उसमें भी पैसा भर दिए, और तो और अपने रजाई और गद्दे में भी पैसा भर के सी दिए, है ना, तो इतना पैसा कमाए कि घर तुम्हारा क्या हो गया, पैसे से भरा हुआ है। तो ये स्टेज आ गया, हम लोग कहते हैं Inside the sales, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, भर गया है xylem से। कौन सा xylem भरा, तो formation of secondary xylem by the activity of cambium ring। cambium ring की activity से क्या होना शुरू किया, हम लोग बोले primary phylum xylem पहले से बना था, अब क्या बना, secondary xylem का formation हो रहा है, कहां पे, inside, और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा कहां पे, आउटसाइड। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है, कैसे क्या बन रहा था, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन किससे हुआ, बाय द एक्टिविटी ऑफ, हम लोग क्या कहेंगे, कैम्बियम रिंग इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, और अब बन गया है कैम्बियम रिंग, पूरा का पूरा कैम्बियम रिंग मेरिस्टमेटिक है, डिवाइड करने वाला है, लेकिन डिवाइड करने के लिए लैटरल साइड में अब बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा आपस में ज्वाइन कर चुका है, इसीलिए अब ये अंदर और बाहर की तरफ, इनसाइड एंड आउटसाइड ही सेल कट ऑफ करेगा। जो सेल ये अंदर कट ऑफ करेगा उसका नाम रखेंगे सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि ऑलरेडी पहले से प्राइमरी जाइलम था, अब ये जाइलम बन रहा है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, इसीलिए इस जाइलम का नाम क्या रखे, इस जाइलम का नाम रखे सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बनते बनते अंदर का सेल क्या होता है, धीरे धीरे पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है, अब ये नए सेल को कट ऑफ करता है आउटसाइड। आउटसाइड पहले से फ्लोएम था, तो हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड ये फ्लोएम बनाना शुरू किया, अब सेकेंडरी ग्रोथ के समय फ्लोएम बन रहा है, इसीलिए इस फ्लोएम का नाम क्या रखे, सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक फ्लोएम कहां है, पहले से ऑलरेडी एक फ्लोएम वैस्कुलर बंडल के अंदर है, इस पहले से बने हुए फ्लोएम का नाम क्या रखे हैं, प्राइमरी फ्लोएम। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय फ्लोएम बन रहा है उसका क्या नाम रखेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब देखो एक एक्टिविटी तुम्हारी पूरी हो गई, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग के चलते मोर सेल्स आर कट ऑफ इनसाइड, ज्यादा सेल कहां बन रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो सेल बन रहा है उसका नाम क्या रखे हैं, सेकेंडरी जाइलम, है ना, ये जो सेल्स कट ऑफ हो रहा था इसका नाम क्या रखे हैं, सेकेंडरी जाइलम। और क्या बोले, जब बहुत ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बन जाता हो, इनसाइड का सेल पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाता है, तब ये बाहर की तरफ सेल कट ऑफ करना शुरू होता है।
अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि तुम्हारे घर में पैसा रखने की बिल्कुल जगह नहीं है, घर भर गया है। अब क्या करेंगे? अब पैसा बाहर मतलब बैंक में रखना शुरू करेंगे, है ना। अब बाहर रखेंगे, पहले तो घर को भर लें, लेकिन मोदी जी के जमाने में घर भी नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखना है। हाँ, तो ये जो सेकेंडरी जाइलम अंदर कॉम्पैक्ट हो गया, उसके बाद क्या किए, अब हम लोग बाहर मतलब बाहर ज्यादा सेल कट ऑफ करना शुरू किए। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली मोर सेल्स आर कट ऑफ इनसाइड और पूरे घर को भर लेते हैं। इनसाइड सेल्स आर फिल्ड, इनसाइड स्टीलर एरिया इज नाउ फिल्ड विद द सेकेंडरी जाइलम। अब सेकेंडरी जाइलम के बनने से पहले वाले बहुत से सेल का क्रस्ट होना शुरू हो जाता है, ये टूटना शुरू हो जाता है। बाहर से ये सेल अंदर आ रहा है तो पहले वाले सेल्स क्रस्ट होने शुरू हो जाते हैं, और अब बनना शुरू किया सेकेंडरी फ्लोयम। तो ये दिखा रहे हैं बाहर की तरफ। अब देखो यहां पे एक लड़ाई शुरू हो गई है, किसके किसके बीच में, जो जो सेकेंडरी फ्लोयम बन रहा होगा ये बाहर के एपिडर्मल टिश्यू की तरफ क्या डाल रहा होगा, एक प्रेशर डालना शुरू किया। जितने भी नए सेल्स कट ऑफ ये कर रहा होगा, ये दिखा रहे हैं सेकेंडरी फ्लोयम और सेकेंडरी फ्लोयम और सेकेंडरी फ्लोयम, जितने भी सेकेंडरी फ्लोयम्स बन रहे हैं ये क्या कर रहा होगा, ये बाहर की तरफ क्या कर रहा होगा, एक प्रेशर डाल रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ये बाहर की तरफ एक प्रेशर डाल रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या क्या हम लोग डिस्कस किए, पहले तो ये कैम्बियम रिंग बना, कैम्बियम रिंग बनने के बाद नए सेल्स को कट ऑफ कर रहा है अंदर की तरफ, उस नए सेल्स का नाम रखे सेकेंडरी जाइलम। और क्या बोले, मोर सेकेंडरी जाइलम्स आर प्रोड्यूस्ड, ज्यादा सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम पहले बन रहा है और कंटिन्यूअसली बन रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बन रहा था। जब अंदर के पूरे डायमीटर का कॉम्पैक्शन होने लगता है, करीब करीब ये फिलअप होने लगता है, तब ये नए सेल को कट ऑफ करता है बाहर की तरफ। इस बाहर बने हुए सेल को अब हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फ्लोयम। तो क्या हो गया, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी से क्या क्या बना, फिर ये दोनों क्वेश्चन, बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग व्हाट इज फॉर्म्ड। तो बोलेंगे बोथ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स आर प्रोड्यूस्ड, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। इस रिंग का नाम क्या रखे हैं हम लोग, कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी से क्या बना, हमने क्या कहा, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी से दो चीजें बनी, सेकेंडरी जाइलम एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, कौन सा सेल ज्यादा बना, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड मोर इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट हो गया तब ज्यादा क्या बनना शुरू करेगा, जब ये इनसाइड पूरा कॉम्पैक्ट हो गया तब सेकेंडरी फ्लोएम बनना शुरू हो गया ज्यादा। और जब सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा बनेगा तो किस वॉल पे प्रेशर डालेगा, तो कहेंगे ये एपिडर्मल वॉल पे प्रेशर डालना शुरू किया, क्योंकि आउटवर्ड प्रेशर पड़ना शुरू किया, नए नए सेल के बनने से क्या हुआ, बाहर की तरफ प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन इक्वल अमाउंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन द इक्वल अमाउंट फोर्स विल बी गवर्न बाई द एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू भी उतना ही फोर्स अंदर डाल रहा होगा, नहीं, ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल, कि जितना फोर्स नया फ्लोएम बाहर की ओर डाल रहा था उतना ही फोर्स एपिडर्मल टिश्यू भी डाल रहा था। जब तक ये दोनों फोर्स इक्वल था तब तक तो कोई दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं हुई। कब तक कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, टिल द फोर्स फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड आर इक्वल, नाउ टिल नाउ देयर इज नो डैमेज, अब तक कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अब एक स्टेज आया, जो ही कुछ ज्यादा फोर्स बाहर की ओर काम किया, एक स्टेज आएगा ना, ये तो अपने काम को रोका नहीं, ये कंटिन्यूअसली क्या बना रहा है, फ्लोएम बनाता जा रहा है, फ्लोएम बन रहा है। फ्लोएम के बनने से क्या हो रहा होगा, एक टाइम आएगा कि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि
एपिडर्मल टिश्यू जगह जगह पे क्रैक करना शुरू करेगा। क्या हो जाएगा देखो तो, जगह जगह पे ये क्रैक करेगा। सपोज करो यहां पे ये क्रैक किया, यहां पे ये क्रैक कर गया, तो ये जगह जगह पे क्या करना शुरू किया है, क्रैक करना शुरू किया। अगर एपिडर्मल टिश्यू क्रैक कर जाएगा तो अब बाहर से पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब सब अंदर आ जाएगा। इसीलिए अब जो ही ये क्रैक करता है ना, प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नए लेयर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है प्लांट, जो ही ये क्रैक करता है, प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नए लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो अब स्टेज देखो हम लोग क्या हुआ, ये क्रैक करते ही, अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्टेक्स का कोई एक लेयर, कॉर्टेक्स में बहुत सारे लेयर दिखा रहे हैं, यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 लेयर का दिखा रहे हैं मान लो कॉर्टेक्स। हम कह रहे हैं इनमें से कोई एक लेयर सडनली मेरिस्टमेटिक हो जाता है, कब, जब एपिडर्मिस रप्चर कर जाता है। ये बाहर का वॉल क्या हो गया, ये ब्रेक किया, ये रप्चर किया। क्यों रप्चर किया, क्योंकि बाहर फ्लोएम बहुत बन रहा था। पहले तो ये अंदर का सेल कॉम्पैक्ट हो चुका है, अब अंदर जगह नहीं थी तो बाहर सेल कट ऑफ करना शुरू किया। बाहर ज्यो ज्यो सेल कट ऑफ कर रहा था, आउटवर्ड प्रेशर पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था, आउटवर्ड प्रेशर पड़ रहा था। और जितना ज्यादा आउटवर्ड प्रेशर बाहर पड़ेगा, हम लोग क्या कहेंगे, एपिडर्मिस भी कोशिश करेगा उतना ही प्रेशर डाले, लेकिन कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब आउटवर्ड प्रेशर बढ़ेगा और ये क्रैक कर जाएगा। जो ही ये क्रैक करेगा, आउटवर्ड प्रेशर बढ़ेगा और ये क्या करेगा, क्रैक कर जाएगा। एपिडर्मिस के क्रैक करते ही, जगह जगह पे ये दिखा रहे हैं, क्रैक करते ही कॉर्टेक्स का कोई एक लेयर, ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोई एक लेयर का मतलब है ये पहला लेयर भी हो सकता है, ये दूसरा भी हो सकता है, ये तीसरा भी हो सकता है, ये चौथा भी हो सकता है, ये पांचवा भी हो सकता है, एनी वन लेयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एनी वन लेयर विल रिमेन, सडनली इट विल बिकम मेरिस्टमेटिक, जो अब तक परमानेंट टिश्यू था ना, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है जो लॉस कर चुका है पावर ऑफ डिविजन को, उनमें से कोई एक लेयर सडनली मेरिस्टमेटिक हो गया। हम लोग मानने को मान लेते हैं ये थर्ड लेयर है ना, ऐसे करके दिखाते हैं, ये थर्ड लेयर मेरिस्टमेटिक हो गया, तो ये दिखाते हैं हम लोग, ज्यों ही ये थर्ड लेयर, हम लोग अपने को समझने के लिए दिखा दिए कोई एक लेयर कि ये मेरिस्टमेटिक हो गया। अब ये मेरिस्टमेटिक लेयर का एक नया रिंग बन गया, इस नए रिंग का नाम है कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम है इसका, कॉर्क कैम्बियम। तो अब हम लोगों की एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी शुरू हो गई। तो इस सेकेंडरी ग्रोथ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग है ना, और अब जो एक्टिविटी देखेंगे वो होगा एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। इसके बाद फिर हम लोग छोटी छोटी चीजें इसमें देखेंगे, हार्डवुड, सैपवुड, फिर देखेंगे स्प्रिंगवुड एंड ऑटम वुड। तो ये छोटी छोटी चीजें देखेंगे, पहले हम लोग नट शेल में पूरे के पूरे सेकेंडरी ग्रोथ को समझ रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, नट सेल में इस सेकेंडरी ग्रोथ को समझ रहे हैं।